नमस्कार दोस्तों मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आइए बात करते हैं सिल्वर एम की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एम का चार्ट है जिसमें मैंने पाँच मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी हमने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का एक ट्रेंड देख रहे हैं उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आइए शुरू करते हैं पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट दोस्तों बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जिसमें हमने देखा कि सिल्वर ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी थी और उस ओपनिंग को मार्केट ने इस तरीके से होल्ड करा था कि उसके ओपन होते ही मार्केट में और ज्यादा तेजी जो है वो बनी रही थी सेवेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के आसपास का कुछ इसने हाई प्राइस टच किया वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन मार्केट ने फिर एक कोशिश करी ऊपर जाने की हाई uh, को ब्रेक किया पर मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया फिर वहाँ से इवनिंग सेशन के बाद जब uh, थोड़ा सा प्राइसेस में एक रिलैक्सेशन uh, होनी शुरू हुई प्राइसेस काफ़ी नीचे सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवन का इसका एक लो प्राइस था वो मार्केट ने ब्रेक किया पर मार्केट यहाँ पर अपने आप को होल्ड करने लग गया कोई बहुत ज़्यादा गिरावट फिर इसमें देखी नहीं गई इस तरीके का एक सेशन रहा देखिए यहाँ पर गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमें किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला यहाँ पर यह था कि मार्केट में प्राइसेस ओपन हुए हैं होल्ड किया ऊपर के, के प्राइसेस को और फिर वहाँ से जो करेक्शन आई है उसमें ओपनिंग प्राइस से भी नीचे के रेंज को मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की है जबकि अगर हम गोल्ड में बात करें तो गोल्ड में इस तरीके का नहीं है गोल्ड में जहाँ प्राइसेज ओपन हुए हैं उससे भी थोड़ा और ऊपर प्राइसेज ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी है और अपनी क्लोजिंग कर दी तो कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो सिल्वर में हमें ज़्यादा देखने को मिली है गोल्ड में प्राइसेज जो है वो अभी भी ऊपर होल्ड हुए हुए हैं आगे क्या एक्सपेक्टेशन है सिल्वर के प्राइसेस से उसको देखते हुए अभी हम बात करते हैं आइए चलते हैं पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेंथ जो हमें सिल्वर में नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर फिर भी काफ़ी बड़ा इस टाइम फ्रेम में मार्केट में कंसोलिडेशन फेज़ में एंटर करता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है जिसका अपर बैंड जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस लगा दिया और लोअर बैंड जो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेवेंटी वन थाउजेंड के जस्ट ऊपर मार्केट ने अपने आप को जो होल्ड किया हुआ है इस रेंज को मार्केट ने कंटिन्यू कब तक करने की कोशिश करनी है वो अभी हम देखेंगे और देखेंगे कि प्राइसेस कहाँ पर आगे तक मूव कर पाते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर में एक इस तरीके का पैटर्न बना है कि डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और प्राइसेस वहां से करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हम सिल्वर की बात करें तो ये जो डबल टॉप पैटर्न बना है सबसे पहली चीज कि ये एक इंडिकेशन इस चीज़ का होता है कि मार्केट में एक वहाँ से प्राइसेस जो हैं टर्न ले सकते हैं नीचे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेशन तो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंट्राडे में बना है तो इंट्राडे में एक मार्केट में करेक्शन आई है थोड़ी सी और कंटिन्यू रह सकती है पर ये बिल्कुल इसके रिवर्सल के इंडिकेशन इस तरीके के नहीं है कि मार्केट में ओवरऑल एक ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया और प्राइसेस अब आपको साठ हज़ार या पचपन हज़ार या चालीस हज़ार इस तरीके के नज़र आ जाएंगे इन प्राइसेस से तो पर ये एक इंडिकेशन ज़रूर है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने सेवेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड के बीच में एक रेजिस्टेंस फेस किया है वहाँ से प्राइसेस में दो बार रिजेक्शन देखने को मिला है एक हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि सेवनटी टू थाउजेंड से सेवेंटी थ्री थाउजेंड के बीच में मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहाँ से एक टर्न आया है और जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा अभी तक तो मार्केट हो रहा है आगे को देखते हैं कि किस तरीके का रहता है किस तरीके का नहीं रहता फिलहाल प्राइसेस सेवेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी टू पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नजर आ रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में करेक्शन प्राइसेस नीचे यहाँ से तेजी बननी शुरू हुई प्राइसेस ऊपर सेवेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड के आसपास जाने के बाद वहाँ से करीब करीब हज़ारों रुपये मार्केट करेक्ट हो चुका है और आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है वो हम देखेंगे देखिए एक चीज़ हम देख रहे हैं कि गोल्ड में ओवरबोर्ड कंडीशन में मार्केट ट्रेड कर रहा है ये मैं गोल्ड यू की बात कर रहा हूँ गोल्ड एम सी एक्स पर मार्केट ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड तो किया हुआ है पर प्राइसेस और फर्दर अपसाइड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है सिल्वर में जो रेजिस्टेंस है वो एक तरीके से कंफर्म हो चुका है वहां से मार्केट ने दो बार रिजेक्शन दिखाया डबल टॉप का पैटर्न बनाया और प्राइसेस नीचे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीजें रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रही हैं और इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि प्राइसेज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है करंट प्राइस सेवेंटी अभी हम लेवल्स की भी बात करेंगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं चार घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड प्राइसेस नीचे सिक्सटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के आसपास का इसने लोड प्राइस टच किया वहाँ से एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई प्राइसेस ऊपर और अपने लोएस्ट प्राइस से टेन थाउजेंड पॉइंट ऊपर तक मार्केट आ चुका है ठीक है कोई मेजर अभी तक मार्केट ने टर्न नहीं लिया यहाँ पर एक इंडिकेशन कुछ इस तरीके के आए थे कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं पर मार्केट ने एक तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ रही कॉन्ट्रैक्ट स्विच हुआ ये जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड का ये लास्ट कॉन्टैक्ट में था नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब से हम बात तो तो से उपर, कर रहे हैं तब से मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड किया हुआ है प्राइसेस जो हैं सेवेंटी थाउजेंड के ऊपर बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं देखिए दोस्तों सिल्वर में एक प्राइस था सेवेंटी थाउजेंड एट सिक्सटी फोर जिसकी हम बात करते थे जिसके ब्रेक होने के बाद दो हजार रुपये तक की एक तेजी हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे तो वो तेजी भी आ चुकी है तो हर लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद एक उम्मीद होती है कि ये ब्रेकआउट होना कितनी तेजी और ला सकता है या फिर कितनी मंदी और ला सकता है ऊपर में या नीचे में जहां भी ब्रेक हो तो वो तेजी भी आ चुकी है अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में उस प्राइस उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी उस प्राइस की कि मार्केट जो है वो नब्बे हजार तक पहुंच जाएगा एकदम एकदम तो नहीं और अगर पहुंचना भी हो तो किस इस तरीके से नहीं जा सकता मार्केट कि सिंगल डायरेक्शन में मार्केट मूव करता रहेगा फिलहाल मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है सिल्वर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर गोल्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आ रहा है अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या व्यू नजर आ रहा है यहां पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक करेक्शन प्राइसेस फिर यहाँ से ऊपर फिर यहाँ से करेक्शन और यहाँ से फिर, फिर प्राइसेस ऊपर दोस्तों इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसकी अभी हम यहां पर देख रहे हैं कि मार्केट में ये जो क्लोजिंग हो रही है देखिए डेली चार्ट्स पे हुई है मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी एक ट्रेंड मूव कर रहा हो देखिए जैसे ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उसके बाद किसी भी आ, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ खैर जिस ये मैं कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप अगर इस कैंडल की एक फॉर्मेशन देखेंगे तो वो इस तरीके की है ठीक है ये इस चीज के इंडिकेशन काफी स्ट्रांग होते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है ये रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न पे ये साइन होते हैं देखिए ये चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जो जो साइन रिवर्सल के या अपट्रेंड के हमें देखने को मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब मार्केट एक ट्रेंडिंग वे में होता है इसका ट्रेंड डेली हमें नजर आ रहा है मार्केट यहां पर था यहां पर इस तरीके की एक फॉर्मेशन बनी इस कैंडल की मार्केट में अगर थोड़ा भी बहुत नीचे आना शुरू हो जाता है मार्केट तो ये एक रिवर्सल का साइन होगा यहाँ से प्राइसेस काफ़ी नीचे की तरफ आ सकते हैं देखिए पर हम किसी एक फैक्टर को लेके अपना माइंडसेट ऐसा नहीं बना लेते कि प्राइसेस अब नीचे में हमें साठ हज़ार मिल ही जाएंगे पर ये इंडिकेशन है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते जब तक मार्केट में करेक्शन के बाद मार्केट फर्दर इस प्राइस को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में कोई स्ट्रांग व्यू लेके ना चलें देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ मार्केट में जो ये करेक्शन आएगी या फिर चल रही है जो भी छोटी मोटी जो भी जिस आप इंट्राडे की करेक्शन कह सकते हैं इसे या फिर एक दो दिन की करेक्शन कह सकते हैं जो भी ये करेक्शन चल रही है इसके बाद अगर मार्केट ने इस हाई प्राइस को ब्रेक करा तो सिल्वर में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ स सक, बन सकती है जिसमें प्राइसेस सेवेंटी फोर सेवनटी सिक्स सेवनटी एट थाउजेंड के जो हाइएस्ट प्राइस है उसे भी मार्केट ब्रेक कर सकता है पर फिलहाल जो सैनैरियो है वो कुछ अलग तरीके का नज़र आ रहा है तो अब वापस चलते हैं हम एक घंटे के टाइम फ्रेम पे उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं देखिए सबसे पहली चीज कि मार्केट ने इंटरडे में थोड़े करेक्शन के साइन दे दिए थे कल जो आज भी कंटिन्यू रहने के चांसेस बने हुए हैं सेवेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी टू मार्केट जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है थोड़ी सी एक स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है जो मार्केट जहां से शुरुआत कर सकता है पर हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है सेवेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी इस प्राइस को मार्केट डाउनसाइड में जब तक ब्रेक नहीं करता और इसके नीचे होल्ड नहीं करता तब तक मार्केट फर्दर डाउनसाइड नहीं दिखा पाएगा सेवनटी वन थाउजेंड फिफ्टी यहां पर इस प्राइस के ब्रेक करते ही मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो इसने अपना सपोर्ट बेस क्रिएट किया है वो बहुत स्ट्रांग है तो सेवनटी वन थाउजेंड फिफ्टी के नीचे मार्केट का होल्ड होना जरा सा भी वो अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजिशन है तो आपको वहां पर एटलीस्ट आधी पोजिशन से ऑन द स्पॉट निकल जाना चाहिए मार्केट में स्ट्रेंथ कब वापस आ सकती है इंट्राडे के लिए उसके लिए मार्केट को 72,250 टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी के प्राइस के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन करना होगा उससे पहले मार्केट में कोई फर्दर स्ट्रेंथ हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे ठीक है ये दो प्राइसेस हो गए अपट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए सेवेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे में जहां पर इसे सपोर्ट मिल सकता है वो सिक्सटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड है वैसे पर हम सेवेंटी थाउजेंड का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी कंसिडर कर सकते हैं ठीक है यहां से लेकर सिक्सटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड तक ये दोनों मतलब ये दोनों प्राइसेस के बीच में मार्केट का अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट बेस है आप ध्यान से सुनिए ये सपोर्ट बेस है नेक्स्ट ब्रेकडाउन जो आएगा वो है सिक्सटी इन थाउजेंड थ्री हंड्रेड पे इसके नीचे अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर लेता है सक्सेसफुली तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मार्केट के रिवर्सल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो ये, दोस्तों ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनकी इंपॉर्टेंस कैसे कैसे है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया तो ये था मेरा सिल्वर एमसीएक्स पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करें शेयर करें बने रहे मेरे साथ देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट धन्यवाद